तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ऑटो ब्लॉग्स एंड बहुत धन्यवाद आज आपको वीडियो देखने को मिल रही होगी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया एंड हम जो आज वीडियो देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है तो वीडियो कृपया पूरा देखें एंड हम जो आज वेरियंट देख रहे हैं किया सोनेट का ये है एच टी का अपडेटेड वेरियंट जिसमें आपको सन रूफ एंड एलावील वगैरह भी एड कर दिए गए हैं तो मतलब भर के आपको इसमें सारे फीचर्स लग्जरी एंड प्रीमियम वाले सारे फ़ीचर्स मिल जाते हैं लेदर लेदराइट सीट्स वगैरह सब मिल जाती हैं तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे एंड चलिए इसके फ्रेंड से बात करते हैं तो ऐसी कुछ लगती है कॉम्पैक्ट का एस यू वी सेगमेंट में आती है किया सोनेट बाकी यहाँ पर किया का न्यू लोगो मिलता है सिल्वर फिनिश में ये न्यू कर दिया है पहले इसमें पुराना टाइप का आता था पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई थी उसी के ऊपर किया का लोगो आता था लेकिन अभी न्यू कर दिया है यहाँ पर आपको किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिल जाती है फ्रंट में जो कि टॉप एंड वाली है टॉप एंड बस जी टी लिखा हुआ आ जाता है बाकी यहाँ पर मिलते हैं आपको इसके क्राउन जेबल के एल ई डी हेडलैप्स इन्हीं के ऊपर आपको एल ई डी डी आर एल एल ई डी इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे लग... आपको टॉप मिलते हैं है सोनेट के जो कि उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है, बाकी यहां पर आपको मिल जाता है इसके फौगलें। प्रोजेक्टर फौगलें से में, इनके साइड एंड बॉडी कलर बम्पर मिलता है बाकी कार बहुत ज्यादा अच्छी लगती है सनरूभ आप देख सकते हैं बाकी बोनेट वगैरह काफ़ी बड़ा दिया हुआ है इसमें आपको डेढ़ लीटर का सीआर डी आई डब्ल्यू जी टी डीज़ल इंजन देखने को मिलता है चौदह से निन्यानवे सी सी का जो कि पावर प्रोड्यूस करता है अठानवे बी एच पी की एनट्रॉक निकालता है दो सौ चालीस एन एम का बाकी पेट्रोल इंजन भी आता है लेकिन आपकी मर्जी के ऊपर आप कौन सा लेते हैं बाकी यहाँ पर मिल जाते हैं आपको सिक्सटी इंचज़ के क्रिस्टल का टाइलो व्हील अपोलो के टायर मिलते हैं बाकी दो सौ पंद्रह सिक्सटी आर सिक्सटीन टायर प्रोफाइल दी हुई है फ्रंट में डिस्प्ले कैंड रियर में ड्रम ड्रमब्रेक्स मिलते हैं यहाँ पर आपको ब्लैक लेडिंग दी हुई है बाकी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में बस जी लाइन में रेड एक्सेंट दे देते हैं इसी के ऊपर बाकी यहाँ पर फ्रंट फेंडर पे आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश बाकी साइड वॉरियो मिल जाते हैं इनके ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं एंड क्रोम फिनिश डी हुई है बाकी एसेसरीज के पार्ट है सब क्योंकि ये डिलीवरी कार है इस वजह से सब एसेसरीज के पार्ट हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकसिंग वाइपर्स बाकी यहाँ पर मिल जाते हैं क्रोम में इसके डोर हैंडल्स एंड क्रोम गार्निश डी हुई है डोर्स पर टू रूफरेस मिल जाती हैं पियानो ब्लैक फिनिश एंड सिल्वर फिनिश में सन रूफ तो मैं भी आपको दिखाऊंगा अंदर चल के बाकी यहाँ पर दिए हुए हैं रेनवाइजर जो कि एसेसरीज के पार्ट हैं ये सब जितना भी आपको क्रोम एक्स्ट्रा दिख रहा है ये सब एसेसरीज के पार्ट है बाकी यहाँ पर दिया हुआ है डोरवाइजर इस पर आपको सोनेट की बैजिंग दी हुई है क्रोम फिनिश दी गई है बाकी वाइट कलर में मैंटेनेंस ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पर किया कि आईपॉप वगैरह कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर 45 लीटर का डीजल टैंक दिया हुआ है जिससे कि आप डीजल बढ़वा सकते हैं बाकी रियर में आपको ड्रम ड्रमब्रेक्स मिलते हैं एंड यहाँ पर भी आपको अपोलो का आई मिलता है देखने को बाकी यहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज़ है, है वो मैं अभी आपको बताऊँगा खा रहता तो हूँ यहाँ पर कुछ पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है बाकी जो यहाँ पर है जो इसके टेल लैम्प्स हैं ये मिलते हैं आपको हाइट बीट के एलईडी टेल लैम्प यहाँ पर सोनेट का लोगो दिया हुआ है जो इसके एलईडी टेल लैम्प्स हैं बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं भाई सच में एक बार आप इनको रात में जलते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि आगे न्यू लोगो मिल जाता है यहाँ पर सिल्वर फिनिश में इसी के ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है एंड ये जो सोपीस के लिए लगाई गई हैं ये जो लाइट्स हैं ये जलती नहीं है बाकी ऐसे कुछ हैं ये इसके टेल लैम्प्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं भाई जलते हैं जब टू रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं रियर में एंड टू मल्टी सोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए हुए एंड यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है सिल्वर एंड पियानो ब्लैक फिनिश में रियर स्किट प्लेट्स मिलती हैं बाकी ग्राउंड क्लियंस की बात करें तो दो सौ ग्यारह एम एम की कार की ग्राउंड क्लियंस है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब पीछे से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एस यू वी टाइप लुक दिया हुआ है पूरी कार को किया ने सिक्स मंथ सेवन मंथ की तो वेटिंग है किया कि इस कार पर अब आप सोच लीजिए इतने महीने की वेटिंग है कितनी ज़्यादा बिकती होगी बाकी यहाँ पर मिलती है आपको किया की की इस कार की जिसमें कि आपको होल्ड करके ऑन करने का भी फीचर मिल गया कार को लॉक एंड लॉक का बटन मिल जाता है अगर आप की कार हैंड ब्रेक लगाए और न्यूटन में है तो आप अगर ये जो होल्ड का बटन दिया हुआ है इसको प्रेस करके रखते हैं तो आपकी कार स्टार्ट भी हो जाती है अगर आप कार से बाहर हैं फिर भी ऑटोमेटिक स्टार्ट तो ये बहुत अच्छा फीचर है बाकी बूट ओपनिंग का फीचर दिया था डिग्गी का की में बाकी यहाँ पर मिल जाता है ड्राइवर साइड गेट पर रिक्वेस्ट सेंसर बटन की सेंट्री प्रोवाइड करती है कार तो ड्राइवर साइड डोर को ओपन करते हैं तो भाई हैवी तो फील होता है गेट वगैरह कुछ भी कार का मतलब सब हैवी फील होता है बस इसका एक बार क्रैश टेस्ट हो जाए और हो जाए तो आदमी को भरोसा होने लगेगा कार पे थोड़ा बहुत जो सेफ्टी के मामले में आजकल व्यक्ति ले रहा है गाड़ी उसको इतना भरोसा नहीं होता है, तो भरोसा और ज़्यादा होने लगेगा बाकी ऐसा कुछ डोर मिलता है डुबल टोन में डोर है ब्लैक एंड बीच कलर में फीचर्स आपको सारे मतलब भर के मिल जाते हैं बाकी यहाँ पर फ्यूल लीड ओपन करने का मिल जाता है स्विच तो अब चलते हैं कार के अंदर तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा जैसे मैं एंटर हुआ बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस फील हुई कि मैं किसी प्रीमियम कार में बैठ गया हूँ एक बार आप लेने से पहले देखिए ज़रूर किया सोनेट को एंड इसका एच डी तो जरूर देखिएगा यहाँ पर आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है तो इसके इंजन को हम लोग पहले आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ जो सबसे मेन चीज़ होती है बाकी बीच में आपको जो एम डिस्प्ले मिल जाती है टी छोटी सी है ये बाकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको स्पीड वगैरह डिजिटल है बाकी साइड में आपको आर मीटर मिल जाता है एनालॉग में थोड़ा बाकी बीच में तो पूरा डिजिटल ही दिया हुआ है स्पीड वग़ैरह का यहाँ पर मीटर आ गया बीच में छोटी सी एम डिस्प्ले मिलती है जिसमें कि आपको हर चीज़ बताता रहता है जैसे कि एस ओ सी तैंतीस परसेंट है शिपिंग मोड बाकी कार अभी तक चालीस किलोमीटर चली है और टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा है अट्ठाईस डिग्री टेम्परेचर है कार का बाकी ऐसा कुछ लेदर ड्राइव स्टेयरिंग व्हील मिलता है फ्लैट बॉटम डी कट स्टेयरिंग व्हील है विथ सोनेट लोगो सोनेट का लोगो आपको दिख रहा होगा छोटा सा डी कट के ऊपर बाकी किया का जो लोगो है इसमें भी आपको न्यू दिया हुआ है एंड सेफ्टी के मामले में कार में आपको टू एयरबैग्स मिलते हैं फ्रंट पैसेंजर साइड एंड फ्रंट ड्राइवर साइड एंड टू हॉन के सिंबल दिए हुए हैं एम आई कंट्रोल क्रूज कंट्रोल मिल जाता है कार में आपको जो कि बहुत अच्छी बात है भाई इतने में क्या चाहिए अभी इसके प्राइस में आपको लास्ट में बताऊँगा इतने में आपको क्या चाहिए सब चीज़ें तो मिल रही हैं एम के फीचर आपको स्टेयरिंग दिए हुए हैं कंट्रोल कर सकते हैं आप बाकी यहाँ पर इन्फरटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल मिल जाते हैं इन्फरटेमेंट सिस्टम एट इंचज़ का मिलता है इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ीचर दिए हुए हैं बाकी ये जो आप इसके किनारे किनारे ये जो वाइट टेप टाइप का देख रहे हैं इसको आप हटा सकते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी दिया हुआ है इसके अंदर भाई साहब सब कंट्रोल कर सकते हैं आप इससे एंड और एंड्रॉयड ऑटो तो एप्पल कारपले सब मतलब इसमें चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है ये बाकी यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी हुई है मीटर्स ले कर पूरा इसके फ्रेम तक एंड इसको आप हटा देंगे जैसे ही पन्नी को तो मैं अभी हटा के हल्की सी दिखा देता हूँ ये काफ़ी और लगती है देखने में इसको आप हटा देंगे तो ये पूरा ब्लैक हो जाता है अंदर से पूरा ब्लैक है अंदर से बस ये कुछ सेफ्टी वगैरह के मतलब स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए इस वजह से लगाया हुआ है तो इसको आप हटा सकते हैं एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है ए सी बाई किया का कार्स का बहुत बढ़िया होता है क्योंकि मैंने फील भी किया है एंड लोग भी कहते हैं किया के कि कार्स का ए सी बहुत बढ़िया है तुरंत कार को केबिन एकदम चिल्ड कर देता है बाकी ये जो डीगर तो मैंने बताया था सोनेट का लोगो एंड यहाँ पर आपको इंजन को स्टार्ट स्टॉप बटन बता चुका हूँ टैक्स एंड कंट्रोल ऑन ऑफ करने फीचर बाकी कुछ लाइट्स के कंट्रोल दिए हुए हैं एंड ड्राइवर साइड डोर पर बात करें तो ऑल फोर डोर पावर विंडो मिल जाती है चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर दिया हुआ है लॉक एंड लॉक का बटन है वो तो आर वी एम एडजस्ट करने कंट्रोल एंड वो आर वी एम फोल्ड एंड फोल्ड करने कंट्रोल दिए हुए हैं बाकी देख सकते हैं आप इसको फोल्ड करके दिखा देता हूँ मैं आपको एंड ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटो डन ऑटो ऑटो डाउन ऑटो आप मिलती है एंड यहाँ पर कुछ सिल्वर फिनिश हेलमेंट दिया हुआ है ट्राई या डिजाइन दी हुई है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है एंड फोर स्पीकरस आते कार में आपको एंड यहाँ पर टू सीटर्स दिए हुए हैं फ्रंट में एंड म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है अगर आप टॉप वेरियंट लेते हो उसमें आपको बोस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है सबसे अच्छा जो फीचर इसका ये मैं दिखाता हूँ आपको जिसके ऊपर ये कार और ज़्यादा बिकने लगी है अब और ज़्यादा सेलिंग हो गई है एच टी एक्स वेरियंट की क्योंकि इसमें सनरूफ भी इन लोगों ने ऐड कर दी है तो सन आप देख सकते हैं वन टच डाउन मतलब वन टच ओपन एंड वन टन वन टच क्लोज है थोड़ा दिक्कत हो रही है आज बोलने में क्योंकि तबीयत ख़राब है ना इस वजह से नहीं यहाँ पर आपको रूफ लाइट मिलती है हेलोजन में भाई एलईडी दे दी होती है एक बल्ब लगाने में क्या दिक्कत होती है यही तो बस किया वाले गलती करते हैं सन ग्लास होल्डर दे दिया एक बीच में बाकी यहाँ पर देख सकते हैं हेलोजन है है में भाई क्या मिल गया देखे बाकी ड्राइवर साइड आपको सनवाइजर मिल जाता है एंड वेंटीमेटर मिल नहीं मिलता है एंड पैसेंजर साइड आपको आई टी मेडर सन साइड दोनों ही मिलता है एंड थ्री ग्रैब हैंडल मिलते हैं, हैं। ड्राइवर साइड नहीं दिया जाता है सेफ्टी की वजह से ड्राइवर मतलब हाथ वगैरह रख के सो ना जाए कहीं इस वजह से एंड यहाँ पर आपको इसका मिलता है सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जिसको कि आप रिवर्स गियर डाल के दिखाते हैं यहाँ से उठा के आप आगे को इसका रिवर्स गियर डाल सकते हैं बाकी रिवर्स कैमरे का व्यू भी काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी क्लियर है देख सकते हैं आप बाकी यहाँ पर मिल जाता है एक यूएसबी पोर्ट एंड एक चार्जिंग पोर्ट एक बारह वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है वायरलेस चार्जर वगैरह आपको टॉप एंड मिलता है यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लब बॉक्स भी नहीं मिलता नॉर्मल ग्लब बॉक्स है एंड ब्लैक एंड बीच कलर में आपको इसका डैशबोर्ड मिलता है फ्रंट का ए सी के साइड में सिल्वर फिनिश दी हुई है बाकी ऐसा कुछ आपको मिलता है इसका आर्मरेस्ट एंड यहाँ पर क्रोम फिनिश मिल जाती है इसके ऊपर टू आर टू होल्डर मिलते हैं आपको लेदराइट सीट्स right मिलती हैं सिल्वर कलर की स्टिचिंग की हुई है इसमें जो कि काफ़ी अच्छी बात है लेदराइट सीट्स आपको इस वेरेंट से मिलने लगी हैं एस से और क्या चाहिए भाई बहुत मतलब वैल्यू फॉर मनी वेरियंट बनाया किया ने एट इंचज़ का म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फ्लैट बॉटम डी कर स्टेयरिंग व्हील मतलब सब चीज़ें मिल रही हैं और क्या चाहिए इतना प्रीमियम इंटीरियर लग रहा है ब्लैक एंड बीच कलर में डुबल टोन इंटीरियर दे दिया एक तो बहुत बढ़िया काम किया है किया बस थोड़ा इसका क्रैश टेस्ट वगैरह हो करवा दो तो सेफ्टी वगैरह के मामले में पता चल जाए लोगों को तो अब इसके डोर को बंद करते हैं एंड रियर डोर से बात करते हैं रियर का स्पेस रियर का जो स्पेस है किया सोनेट का लोग बताते बहुत कम मिलता है तो मैं आज बैठ करके देखता हूँ मैं सोनेट उसमें नैक्सॉन में बैठा हूँ तो आज इसका कॉम्प्रोमाइज नैक्सॉन से करूँगा बाकी यहाँ पर मिल जाती है सनसीड रियर में जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है टू सनसीड मिलती है जैसे ही आपका कोई चालान एलान काटने के लिए आ जाए पुलिस वाला तो आप नीचे भी कर सकते हैं बाकी यहाँ पर मिल जाता है पावर विंडो का स्विच एंड डुबल टोन में रियर गेट भी है बाकी जो यहाँ पर ये यह जो फिनिश मिलती है बहुत अच्छी दी हुई है बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया हुआ है बाकी यहाँ पर आपको ये जो मैंने दिखाया नहीं देवाल साइड ऑल फोर डोर पे लेद राम रेस्ट वगैरह मिल जाते हैं इधर साइड गेट पे एंड यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है वन लीटर वॉटर होल्डर दिया हुआ है एमडेला होल्डर, होल्डर दिया हुआ है बाकी फ़्रंट में आपको टू एडजस्ट एड्रेस मिलते हैं एंड रियर में आपको टू एडजस्ट एड्रेस मिलते हैं बाकी यहाँ पर रूफ लाइट दी हुई है रियर में हाइलोजन में बाकी ए सी इवेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर इनके साइड में सिल्वर फिनिश भाई यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश दो प्ले होती तो और अच्छा लगता लेकिन वो आती है किया सोनेट के टॉप वेरियट्स में पियानो ब्लैक फिनिश इसमें सिल्वर फिनिश दे दी यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट दे दी चार्जिंग सॉकेट दे दिया, दिया। एंड कुछ सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस बाकी स्पेस भाई कार में इतना बढ़िया नहीं मिलता है मतलब लेगरूम नहीं है आगे वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है पीछे अगर दो लोग सफ़र करते हैं तो बहुत सही है लेकिन तीन लोग अगर करते हैं तो आपको दब दब के बैठना पड़ेगा इतना बढ़िया नहीं है सीट्स की कुशनिंग वगैरह बढ़िया है लेकिन स्पेस नहीं इतना बढ़िया है अगर आप लोग चार लोग कुल मिला गाड़ी में सफ़र करते हैं तो बढ़िया है एंड है, हैड रूम भी सही है कार का हेडरूम सही है बस थोड़ा स्पेस में मुझे लगा नेक्सोन में इससे स्पेस ज़्यादा है थोड़ा कंफर्ट भी ज़्यादा है इसमें डी जरूर है लेदराइ सीट्स लेकिन फर्ट भी उसमें ज़्यादा है बाकी अब इसके रियर बूट से बात करें तो यहाँ से इसके बूट को ओपन करते हैं ये तो मैंने कैमरा आपको दिखाई दिया था इसका व्यू भी दिखा दिया था कितना क्लियर है तो अब इसके बूट को ओपन करते हैं एंड बूट देखते हैं कि यह सोनेट का अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है तीन सौ बानवे लीटर्स का जो कि बहुत अच्छी बात है अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है रियर पार्सल ट्रेव दी हुई है रियर में हाइड्रोलिक सॉकेट्स मिलते हैं बूट के देख सकते हैं आप लोग बाकी यहाँ पर दिया हुआ है प्लास्टिक में गत्ता ब्लैक कलर का बूट गेट के ऊपर बाकी यहाँ पर लाइट दी हुई है नंबर प्लेट वगैरह की एलोजन में तो देखो सेंसर बटन वगैरह नहीं मिलता इलेक्ट्रिक बूट गेट नहीं मिल बूट नहीं मिलता बूट गेट बाकी यहाँ पर देखते हैं किया का टूल्स वगैरह दिए हुए हैं एंड बूट लेम दिया हुआ है एलोजन में तो एंड यहाँ पर एक ट्विन हुक भी दिया हुआ है ये देख सकते हैं आप लोग बाकी बूट के यहाँ पर आपको सेवन डी मैट बिछी हुई है साइड सोनेट की एसेसरीज़ में ये कार असल में डिलीवरी कार है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो बहुत मैं उस वीडियो डाली में नहीं थी तो मैंने कहा लाओ आज रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो आज मैं वीडियो इसीलिए रिव्यू करने आ गया शोरूम में बाकी यहाँ पर अगर इसका स्पेयर इस व्हील दिखाऊँ तो गुड ईयर का टायर मिलता है स्पेयर व्हील में एंड ये है शायद फिफ्टीन इंचज़ का है हाँ फिफ्टीन इंचज़ का है तो नॉर्मल स्टील व्हील है ये व्हील वगैरह नहीं मिलता है इसमें बाकी यहाँ पर ये यह कुछ दिया हुआ है सामान वगैरह रखने में जिससे आसानी होती है लेकिन फ्लैट बूट नहीं है नीचे है एकदम बाकी बूट गेट भी काफ़ी हैवी लगता है बाकी अगर कार के एक्सरूम प्राइस की बात करें तो दस लाख उनहत्तर हज़ार रुपये कार का एक्सरूम प्राइस है एंड ऑन रोड प्राइस की बात करें तो बारह लाख छत्तीस हज़ार चार सौ इकतीस रुपये कार का ऑन रोड प्राइस है भाई साढ़े बारह लाख में आपको इतने सब फीचर्स मिल रहे हैं मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है आपके लिए तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच